हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो भाई आज हैं हम KTM 390 ड्यूक का, और इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल होने वाला है KTM 390 ड्यूक का कंप्लीट ऑनरशिप रिव्यू और इसका फुल रिव्यू। इसमें गाड़ी माइलेज क्या है, गाड़ी का प्राइस क्या है, गाड़ी में क्या क्या फीचर प्रोवाइड करती है, और इस गाड़ी का फुल कंपेरिजन होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहें, आप लोग को सारी चीज़ें मैं डिटेल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से देखो, ये हेडलाइट देखो, काफ़ी शानदार हेडलाइट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो हेडलाइट फुल्ली मतलब थ्री पॉइंट में आपको लोगों को मिल जाएगा। LED 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका जो डिज़ाइन है सामने से काफ़ी उभर के आता है। तो भाई ये सामने का है इसका हेडलाइट सेटअप बात करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये फुल वॉक अराउंड पहले 360 डिग्री में आप लोग को दिखाता हूँ। ये है लेफ्ट साइड का, और यहाँ पे आप लोग को डुअल चैनल ABS मिल जाएगा रियर में, और फ्रंट में भी आपको सिंगल चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे रेडिएटर भाई कार की तरह रेडिएटर भी मिलेगा, और काफ़ी फीचर भी मिलेगा। और सीटिंग देख सकते हो काफ़ी शानदार है, और पीछे से गाड़ी का कुछ इस तरीके से लुक है, तो वो भी काफ़ी। एग्जॉस्ट भी मैं आप लोग को साउंड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रंट से। फ्रंट प्रोफाइल तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको ये इस तरीके से दिख रहा है। USD सस्पेंशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जो कि आप कम्फर्ट इसका काफ़ी शानदार हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रंट जो डिस्क है तो आपको 320 mm का इसका डिस्क मिल जाएगा फ्रंट में, और रियर में आपको 230 mm का इसका डिस्क मिल जाएगा। और टायर प्रोफाइल की बात करोगे तो 110/70 R17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको KTM देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 390 आप लोग को देखने को मिल जाएगा बोनट पे, इसके टैंक पे। और टैंक कैपेसिटी की बात करोगे और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक के साथ आपको ड्यूक देखने को मिल जाएगा। तो भाई 390 ड्यूक है तो 2023 मॉडल। और यहाँ पे टैंक कैपेसिटी की बात करो 13.7 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, तो अपने आप में इसका भी काफ़ी शानदार। और मीटर की बात अभी बाद में बात करते हैं, सबसे पहले इस साइड करते हैं। और यहाँ पे आपको दो कलर में मिल जाएगा, ऑरेंज ब्लैक और मैट, तीन कलर में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मोनो शॉक अब्जर्वर मिल जाएगा, जो कि राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट। और यहाँ पे साइलेंसर इसका देखोगे तो ब्लैक, और वो भी एग्जॉस्ट के साथ। इसका साइलेंसर की आवाज़ सुनाओ, पहले हॉर्न दिखाओ। तो भाई ये इसका हॉर्न है बंद, एग्जॉस्ट दिखाओ, एग्जॉस्ट भाई इसका एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाते हैं। स्टार्ट करो, हल्का सा रेस बंद। तो भाई ये इसका साउंड। और आपको सीटिंग कंफर्ट की बात करोगे तो यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट स्प्लिट सीट मिल जाएगा, दो लोग आप आराम से राइडिंग कर सको। अगर आपकी हाइट 5.9 या फिर 6 फीट की है तब जाके इसमें मज़ा आएगा। 5 फुट के ऊपर के बंदों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला। अब चलते हैं पीछे दिखाएं, तो पीछे आपको मैंने डिस्क ब्रेक के बाद करी दी। यहाँ पे पीछे आप लोग को टायर प्रोफाइल की बात करो तो 150/60 R15 इंच के यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बैक लाइट की बात करोगे तो बैक लाइट पे आपको यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाएंगे, ये देखो बैक लाइट। और इंडिकेटर जलाओ, इंडिकेटर यहाँ पे LED इंडिकेटर मिल जाएगा, तो ये देखो काफ़ी अट्रैक्टिव। और यहाँ पे अपना नंबर प्लेट, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा ये, और अपना ये मड क्लैप पे भी आपको KTM का लोगो मिल जाएगा। ये पीछे से काफ़ी ओवरऑल इसका लुक। अब बात करते हैं इसका मीटर कंसोल की, उसके बाद इसका पावर बात करेंगे, उसके बाद प्राइस की बात करेंगे। तो मीटर आप जैसे ही ऑन करते हो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो भाई मीटर यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, गियर का, RPM का, स्पीडोमीटर का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ABS का। और यहाँ पे इसके क्लच पे आपको काफ़ी सारे बटन दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखो ट्रिप टाइम कितना, डेट, बैटरी कितना वोल्ट, इस पर काफ़ी सारे ऑप्शन और खुल सकते हो। यहाँ सेट वाले पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। KTM माई राइड, यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। सेटिंग पे जाके काफ़ी सारी चीज़ें आप फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी होंगी। और बाकी यहाँ से अपना बेसिक से कंट्रोल है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये हेड इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हैंड के हिसाब से, तो ये भी काफ़ी शानदार हो जाता है। अब बात करोगे यहाँ पे तो इसका इग्निशन, और यहाँ से आपका एस्केलेटर। बाकी ये है इसका मिरर भी काफ़ी शानदार होने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी का TFT मीटर मिला, जैसा कि मैंने बताया TFT मीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब गाड़ी का पावर की बात करते हैं, 49.9 BHP इसका गाड़ी का पावर है ओवरऑल लुक। और टॉर्क की बात करोगे 37 Nm का इसका टॉर्क है। टॉप स्पीड की बात करोगे इस गाड़ी का भाई 167 का टॉप स्पीड प्रोड्यूस करता है इस गाड़ी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीज़ें बता दिया। माइलेज की बात करो तो 20 से 25 का माइलेज है इस गाड़ी का, वो भी काफ़ी शानदार हो जाता है, और डिजिटल मीटर के साथ। अब बात करते हैं इसका प्राइस, तो भाई प्राइस है इसका 353,000 भूमि गोरखपुर पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक और वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा यहाँ के लोकेशन का। और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर
बाइक से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे या फिर जो भी नंबर है यहाँ पे बात कर सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर लेना हो तो यहाँ से आप भूमि ऑटोमोबाइल पे आप संपर्क कर सकते हो, इनका नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और भाई गाड़ी कमाल की लगती है, ये वीडियो में ज़रूर बताना कि गाड़ी कैसी है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहो मचाते रहो।